सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, कक्षा चार, विषय हिंदी। आज हम विषय हिंदी में पाठ सात व्याकरण ग्रामर देखने वाले हैं। तो पाठ सात का नाम क्या है? पाठ सात है काल, व्याकरण भाग दो। हमने पाठ छह में काल व्याकरण भाग एक में देखा था कि काल की व्याख्या क्या है। काल की व्याख्या देखी थी और काल के तीन भेद, इसमें से भूतकाल और उसकी व्याख्या, उसके बाद भूतकाल के अलग अलग उदाहरण भी हमने देखे। तो फिर से आज हम बच्चों पुनरावलोकन करते हैं कि काल का मतलब क्या है। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? समय। काल की व्याख्या देखेंगे, किसी कार्य के करने या होने का कार्य, किसी कार्य के करने या होने का समय ही कार्य। तो काल का मतलब क्या है? समय। व्याकरण में काल का संबंध कार्य से है, कार्य क्रिया। व्याकरण में क्या है? काल का जो संबंध है वो क्रिया से है, कार्य से है। हम जो भी कार्य अपना करते हैं उससे काल का समय है या संबंध है, काल का संबंध है। तो काल की व्याख्या इन शॉर्ट हमने क्या देखी? काल का मतलब ही है समय। समय, अब समय काल की व्याख्या, किसी कार्य के करने या होने का समय ही कार्य। हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो समय है उसे कहते हैं काल। तो काल के तीन भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। व्याकरण में काल का क्रिया से या कार्य से संबंध है। तो भूतकाल पहला भेद हमने देखा था। भूतकाल की व्याख्या क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। मैं भाग एक में भूतकाल की व्याख्या देखी थी, उदाहरण भी देखे थे। जैसे कि कल बारिश आई थी, सोहन ने अपने छोटे भाई मोहन को मारा था, कल मेरी सहेली मुझे मिलने आई थी, मैंने कहानी सुनी थी। मतलब जो भी कार्य हमने करे हैं या जो भी क्रिया है, जो भी कार्य है वो बीते हुए समय में कर चुके हैं या वो कार्य हम खत्म कर चुके हैं। बीते हुए समय में जो भी कार्य हमने खत्म कर लिया है या जो भी घटना कर चुके हैं उन सारे कार्यों का या घटनाओं का समावेश भूतकाल में होता है। भूतकाल की व्याख्या क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। मतलब भूतकाल में क्या आएगा? सारी बीती हुई घटनाएं, सारे बीते हुए कार्य जो हमने कर लिया है या कर चुके हैं वो सारे कार्य उनका समावेश भूतकाल में आएगा। भूतकाल की व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे कि कल बारिश आई थी, मैं सोहन के घर गया था, प्रिया मुझे मिलने आई थी, सीमा ने अच्छा नृत्य किया था। उस तरह से जो भी घटना घट चुकी है उसके बारे में जो विश्लेषण है वो भूतकाल है। तो आज हम देखने वाले हैं काल के बचे हुए दो भेद, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं वर्तमान काल। दूसरा भेद काल का क्या है? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो भी कार्य हो रहा है या क्रिया हो रही है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी हो रही है, चल रही है, वह सारे कार्यों का समावेश वर्तमान काल में होता है क्योंकि वो वर्तमान में चल रही है, अभी चल रही है। वर्तमान काल
नहीं होता, कार्य चल रहा है, इसका मतलब शुरू तो हो रहा है या शुरू हो गया है, शुरू हो रहा है, चल रहा है, परंतु समाप्त नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूँ, चिड़िया चहक रही है, तुम क्या कर रहे हो, यह वर्तमान काल। अब हमें काल का किस्सा भी देखना है, भविष्य काल। काल का किस्सा भी क्या है, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य क्या आने वाले समय में होने वाला बोध, मतलब कार्य जो है ना ही बीते हुए समय में है, ना ही अभी वर्तमान समय में चल रहा है, कार्य जो है वो आने वाले समय में होने का बोध है, मतलब कार्य होने वाला है, ना ही चल रहा है ना ही हो चुका है, होने वाला है, उनका समावेश या उसे कहते हैं भविष्य काल। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ूंगा, बादल गरजेंगे और वर्षा होगी, शायद चांद चमके, मैं घूमने जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पिज्जा बनाऊंगी, मतलब जो कार्य हम करने वाले हैं आने वाले समय में, जो कार्य होने वाला है या आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भविष्य काल। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा काल, काल का मतलब है समय, काल का मतलब क्या है, समय, काल का संबंध क्रिया से है। काल के अगर व्याख्या हम देखें तो देखिए, किसी कार्य के करने या होने का समय ही कार्य, किसी कार्य के करने या होने का समय ही क्या है, कार्य। काल के तीन भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हमने भाग एक में देखा था भूतकाल का मतलब क्या है, भूतकाल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे मैंने कल आम खाया था, मैं घूमने गई थी, सीमा मिलने आई थी, मैंने क्रिकेट खेला था, जो घटनाएं घट चुके हैं, सारे बारे जो सारे उदाहरण हैं वो बीते हुए समय में हो चुकी घटनाएं है, मतलब बीते हुए समय में जो कार्य हमने किए हैं उसका समावेश होता है भूतकाल। अभी काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब कार्य जो है वो चल रहा है, प्रेजेंट में अभी वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, वर्तमान काल में कार्य शुरू होता है परंतु समाप्त नहीं होता। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लिख रहे हो, मैं लिखता हूँ, चिड़िया चहक रही है, तुम क्या कर रहे हो, कार्य शुरू हो रहा है परंतु समाप्त नहीं हुआ। वर्तमान का मतलब है क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं वर्तमान काल। तीसरा है भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भविष्य काल। जैसे मैं पढ़ूंगा, बादल गरजेंगे और वर्षा होगी, शायद चांद चमके, मैं घूमने जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मतलब आगे जो भी कार्य होने वाले या जो भी करने वाले हो, मैं अमेरिका जाऊंगी, तो ये जो भी है होने वाले समय में, आने वाले समय में होने वाले कार्य का रूप वह भविष्य का। इस तरह से आज हमने क्या देखा, काल का मतलब, काल का मतलब है समय, किसी भी कार्य का होने का जो समय है उसे ही कहते हैं काल। काल के तीन भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का मतलब है क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं भूतकाल। उदाहरण के तौर पर मैंने कल टीवी देखा था, हो गई घटना। अब दूसरा है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का
क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे कहते हैं भविष्य काल। जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कल पिज्जा बनाऊंगी, उसके बाद कई सारे मैं पढ़ूंगा, बादल गरजेंगे और वर्षा होगी, शायद चांद चमके, मैं घूमने जाऊंगा। इस तरह से हमने पाठ सात में काल भाग दो, काल की व्याख्या, काल के तीन भेद देखे हैं और उसके अलग अलग उदाहरण देखे। आशा करती हूँ आपको आज का पाठ सात काल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है कि काल के जो तीन भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा और उसका जरा कीजिएगा। धन्यवाद।